सबसे पहले झुक के सबके प्रणाम करियो। अरे ज्यादा नहीं झुकने तो कमरिया तेड़ो जीतो। आए कोची, तू पहले कहानिया सुन। हम अन्नी गर्मी के छुट्टी के मजा ले लिए, इतना कि पूछ मत कितना। अरे छोड़ा हमरा झूला देना रे। अरे आ रही हो यार, जल्दी आओ ना भाई। अरे रुक यार, ले 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 ले, साला घूमते रह। हम अन्नी आसमान के ऊंचाइयों से ससरंगों के चैलेंज लगावा लिए। हम अन्नी बंगट ने लिए रे। हाँ ठीक है, आजकल के लड़के सब नहीं कराओ, नहीं तो हमनी के चैलेंज जे ऐसे अपन हाथ पे चल के दिखा दमा, ओकरा हमरा तरफ से रसना। भगवान गोर नहीं देलखिन जे हाथवा पे चलवा। मुर्गी चाची गोर लगाइयो, मन करे तो हर जोर लगाइयो। मुर्गी चाची गोर लगाइयो, मन करे तो हर जोर लगाइयो। आई जी बोले के तमीज नहीं हो। डिंग 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 डिंग। क्या मम्मी, मारियो मार के कनपटिया खोल दे भैयो। चुप हो जो बेटा बोल दे भैयो। ए रमेश सर जी देखा बेटवा कैसे कर रहे हैं। कह रहे वो ऐसी मजाक कर रही पापा। सो हे गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग, उम्मीद करता हूँ काफी अच्छा और मस्त होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोग एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ जो काफी अच्छा फनी मगही कॉमेडी बनाते हैं। वीडियो तो कहीं कहीं और कराता है लेकिन उसमें जो आवाज रहता है उन्हीं का रहता है। उनका एक फेसबुक पर पेज है और यूट्यूब पे एक चैनल है, सब लूल है। उस चैनल का नाम है सब लूल है। चलिए दोस्तों उनसे हम लोग बातें करेंगे, इंटरव्यू लूंगा। और मैं बता दोस्तों कि उनका ओरिजिनल नाम है केशव। तो केशव भैया से आज हम लोग मिलने वाले हैं। तो अभी मैं फिलहाल हूँ दोस्तों अपने घर पे, देख सकते हैं मेरा स्टूडियो रूम है और यहाँ से हम लोग चलते हैं आज पटना। भैया से बात हो चुकी है, वो बुलाए हैं पटना, वो पटना अब रह रहे हैं। तो फाइनली दोस्तों हम केशव भैया के बताए हुए लोकेशन पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कैसा बैकग्राउंड है, ये पटना में कौन सा जगह, आप खुद से अंदाजा लगाइएगा और कमेंट करिएगा। और हमारे साथ है केशव भैया जो मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए चलिए भैया से कुछ कुछ बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले केशव भैया आपको नमस्कार। नमस्कार हमारे तरफ से। नमस्कार भाई। अच्छा ये बताइए कि आप इतना दूर हमको बुलाए हैं, आप पहले रहते थे अपने गांव पे। हाँ। कितना पैसा कमा लिए कि आप पटना रहने लगे इतना बड़ा सिटी में? अरे यार कमा नहीं लिए हैं, कमाने के लिए बाहर रह रहे हैं। अच्छा कमाने के लिए बाहर रह रहे हैं। बाहर रहेंगे तब इन कमाएंगे ना, तो घरवा में क्या देगा, माई बाबू जी कितना दिन लीजिएगा कमाने। सही बात है। अच्छा गाँव पे भी रहने में थोड़ा सा परेशानी होती थी, काफी लोग जाते होंगे, अगल बगल के लोग मजाक भी उड़ाते होंगे दोस्त यार? नहीं मजाक उजाक से हमारा कोई उतना फर्क रखने का ही पड़ लो यार, मजाक उड़ावे तो सब लोग मजाक उड़ा रहा है और मजाक उड़ावे तो हम कम ही कर रहे हैं, हंसे हंसा वाला तो हंसने दो। हाँ। तो उसके लिए दिक्कत नहीं है। सबसे फर्स्ट सवाल है, मैं इनसे कराना चाहता हूँ कि आप स्टार्टिंग कब किए थे सब सोशल मीडिया पर, आपको कैसे माइंड में आके सब करना चाहिए? बस सोशल मीडिया पे हम भाई 7-8 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, 8 साल से? हाँ, साल पहले इसी चैनल पे। नहीं इस चैनल पे, ये चैनल तो हम नया बनाए। अच्छा। अगर आप इस चैनल का बात कर रहे हैं तो इस चैनल को 2020 के अप्रैल में बनाए थे। अच्छा अच्छा ठीक है, लॉकडाउन के टाइम में। अच्छा ये बताइए कि आप ये सब आपको माइंड में कैसे है कि यही काम करना चाहिए? भाई ऐसा कोई चीज़ नहीं रहता है कि कुछ सोच के करना है कि यही करना, आदमी करते रहता है बहुत तरह का चीज़ करने के बाद करते करते समझ में आता है कि करना क्या है। अच्छा ऐसा यूनिक आप वीडियो उठाते कहाँ से लाते हैं? आप शूट करते हैं खुद का फ़ोन से या किसी का कोई क्लिप चढ़ा रहा था उससे लेते हैं? बहुत सारा वीडियो ऐसा रहता है जो खुद के भी शूट कर रहता है, बहुत लोग दोस्त लोग भी भेजते रहता है और अलग अलग जो फॉलोअर्स हैं जो वीडियोस देखते हैं ऑडियंस उसी में आप बना लेते हैं। उसमें हम देखते हैं कि जो बनाने लायक है, क्योंकि वीडियो तो बहुत है इंटरनेट पर भी है इधर उधर भी, तो सब वीडियो पर थोड़ी बनाया जा सकता है, जिसमें कहानी पर पूरा किया जा सके वैसे वीडियो सेलेक्ट करते हैं। ऐसा यूनिक आप सब मतलब स्क्रिप्ट करते हैं कि ऐसी माइंड में मतलब आए कि ये काम कर रहा था ऐसे कर दें? सब जियल जिंदगी है, एकरे में सब जो चीज़ आ जाए सब बोल देना है। अच्छा आदत हो गया? आदत क्या मतलब, जैसे आप हम जो चीज़ देखते हुए बड़ा हुए हैं गांव घर, तो वही सब के कहानियां वीडियो में रहता है, अलग से थोड़ी कुछ रहता है उसमें। चलिए ठीक है। अच्छा आप ये बताइए कि आप ये सब जब कर रहे थे, आप कहीं कहीं भी जाते भी होंगे शूटिंग करने, तो आपको घर से दबाव मिलता था स्टार्टिंग में? पापा तो डॉक्टर उठते होंगे? नहीं ऐसा कोई कभी है, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। अच्छा। मेरे पापा खुद ही सपोर्ट, मतलब मेरा पूरा फैमिली यार दोस्त सब लोग कोऑपरेट मेरा से? सपोर्ट मेरा सब लोग से ही। अगर आज ऐसा नहीं होते हैं। अच्छा आपको हो सकता मिला होगा सौभाग्य से, मेरे साथ है ऐसा। बोल विरोध करने वाला और नेगेटिव बोलने वाला संख्या कम है तो उसको हम काहे गिने। सही बात, सपोर्ट करने वाला का संख्या ज्यादा है तो उसी को लेके चलते हैं। तो उसी को लेके चलते हैं हम। चलिए बढ़िया। अच्छा आपका पढ़ाई कहाँ तक हुआ है? पढ़ाई हम अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अभी सेशन में लेट है इसी वजह से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ। ठीक है तो अच्छा तो हो जाए एक आध गो फनी थोड़ा सा डायलॉग जो वीडियो में आपको याद हो वही सुना दिया जाए। जैसे में एक गाना का लाइन हम
अभी हमर गाना आवे वाला हो सैटरडे संडे के। अच्छा। तो वो गाना आवे से पहले हम दो लाइन कॉमेडी गाना है हम अपन सब लू ले लाइक, तो ओकरे हम दो लाइन हम ओकर सुनाबियो कि खाइयो पियो मस्ती में रहियो दुख के पहाड़ हम हंसते हुए सहियो गुस्सा में हो जाइयो आग जैसन प्यार में हम पानी सा बहियो। तो ये गाना है आ रहे तो नहीं सब जरूर देखिए हमारे चैनल सब लू ले पे। अच्छा, कब तक आ जाएगा भैया? इस सैटरडे को आ जाएगा। सैटरडे को? हाँ। अच्छा। अच्छा, आपसे एक और बात जी, सब लोल है ये आपको माइंड में कहाँ से आया कि ऐसा यूनिक नाम रखा जाए? देखिए लोल कोई आपको बताया था या आप अपने थर्ड से अपने माइंड से? यार कोई बतावे वाला नहीं हो, ठीक है, सब कुछ खुदे करे पड़ता है। तो बहुत सब बार नाम मतलब चेंज भी किया थे कि फर्स्ट नहीं, इसी नहीं, को रखे हैं इसी एकदम फर्स्ट नाम मेरा यही रखा यही रह गया। हाँ, तो कैसे मतलब माइंड में कि सब लोल है, मैंने सब दुनिया लोल है कि सब दुनिया लोल है, जरा में हम उस दुनिया में हम भी ही है। हाँ। तो हम एक लाइन भी बोले कि हम भी लोल तू भी लोल सारी दुनिया लोले लोल। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो सब लोल है। अच्छा, लोल है कहे का मतलब है कि सब दुनिया में देखो कोई भी चीज़ अच्छा नहीं हुआ पूरा का पूरा। हाँ, सही, सब में थोड़ा ना थोड़ा प्रॉब्लम रहा है, ठीक है, तो वही चल गए, उतना टेंशन क्या लेना है, सब लोल है, सब लोल बस। अच्छा, कुछ मगही में थोड़ा सा सुना दिया जाए जो आपको फनी वीडियो याद हो या कुछ। कुतवा कुतवा मार दब जुतवा मुर्गी चाची गोल लगाइयो, मन करे तो हर जोर लगाइयो। अरे सब बहुत सारा वीडियो है, भुला जाते हैं। सही बात है, रोज तो नया नया आना ही है, तो पिछला वाला कितना याद है। हाँ बाप रे, लगातार हम वीडियो बना ही रहे हैं, ठीक है, तो पॉसिबल ही नहीं रहता है कि हम पिछला वीडियो को हम डायलॉग याद रख पाए। अच्छा, आप कुछ नया आने वाला है आपका? नया एक दो गाना बताए। अच्छा, बाकी वीडियो और धीरे धीरे, और इंस्टाग्राम पे तो एक मिनट तक का ही वीडियो आएगा, लेकिन यूट्यूब पे जो मेरा चैनल है उस पे अब धीरे धीरे कंटेंट बड़ा होगा, क्योंकि अब धीरे धीरे व्यवस्था करने में लगे हुए, बहुत जल्द एकदम तहलका मचते पूरा इंडिया में, बिहार का आप खाली नाम नहीं लो, पूरा इंडिया था, पूरा इंडिया था हल्का मचा, राज करना है। राज नहीं करना यार राज करे वाला राज कर रहा है, हमारा राज यूज नहीं करना है, हमको हंसाना है सबको, पूरा इंडिया को हंसाना है। मोदी के बाद आप ही को कहाँ बैठ जाना है? नहीं नहीं, मोदी जी हैं। अच्छा अच्छा, चलिए, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा, इतना मस्ती मजाक हुआ, ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा। हाँ। आप हमारे चैनल के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, काफ़ी दूर से आए हैं भाई, बहुत ट्रेवल करते हैं ब्लॉग बनाने के लिए कि अलग अलग इन्फॉर्मेशन अलग अलग वीडियो आपके पास पहुंचाया जा सके, आपको मजा आए, आप नया नया चीज़ सीखें। हाँ। उसके लिए आदमी हम जितना तक हमको पता चला कि 8 दिन से ही घर से बाहर है सिर्फ वीडियो और अलग अलग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, तो ऐसे लोगों का चैनल सब्सक्राइब जरूर होना चाहिए, इन लोगों को जरूर सपोर्ट मिलना चाहिए, और मस्ती ब्लॉग को जाके सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन वाला बटन दबा दे, और ईटा उटा से कुछ से पटक कर लेकिन सब्सक्राइब कर ले कुछ, जो ललका उसको हल्का कर दो दबा। हाँ, के ललका को हल्का कर दो दबा के। हाँ, उसे अंधार हो जाए उकरा में थोड़ा सा लाल के बाद। ठीक है, आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, बहुत अच्छा भाई, थैंक यू। तो आई होप दोस्तों कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, और आप ही लोग को काफी ज्यादा कमेंट आ रहा था कि आप एक बार केशव भैया से जाकर के मिलिए, तो मैं काफी दूर से इनसे मिलने के लिए आ गया। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय बाय।